दोस्तों आज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि पाइप को सेफ्टी टैंक में कैसे डालते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे कि हमने एक पाइप और 245 बैंड लगा के इसको पाइप को सेफ्टी टैंक में डाला है। अच्छे तरीके से साइड साइड में पाइप के ईंट का रोड़ा बना के डाल लें ताकि कभी इन फ्यूचर पाइप टूटे ना, और अच्छे तरीके से भाई उसको फिक्स कर ले अच्छे तरीके से, जैसे कि यहाँ पे मैं कर रहा हूँ हथौड़ी से पीट पीट के। और साइड साइड में भाई ईंट जरूर लगाएं, ईंट लगाए। ये देखो दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पे अच्छे तरीके से ईंट को फिक्स कर लिया है, अब हम लोग पाइप को जाम करने के लिए रोड़ी का मसाला बनाएंगे। अच्छे तरीके से रोड़ी और बदरपुर को मिक्स करेंगे, उसके बाद इसके ऊपर हम लोग सीमेंट डालेंगे। पाइप पे अच्छी तरीके से पानी डाल लें ताकि जब हम मसाला उस पर डालें तो पानी और मसाला अच्छे से एक दूसरे में चिपक सके और जाम हो जाए, पाइप के नीचे नीचे तक मसाला चला जाए, अच्छे तरीके से जाम हो जाए। जहाँ जहाँ पे जॉइंट होता है ना, जहाँ पे लीकेज का ज़्यादा चांस होता है, वहाँ पे हल्का सा मतलब सीमेंट को ना ज़्यादा गीला ना ज़्यादा टाइट, हलवे की तरह मतलब मसाला बना लें और उसको सारे जॉइंट पे लगा दें। इस पर फिर सीलेंट का और लीकेज का चांस बहुत कम होता है, लीकेज नहीं होता है। इसे अच्छे तरीके से पूरे ऊपर नीचे जॉइंट पर लगा दें। अब हम लोग अच्छे तरीके से अपने पाइप को मसाले से चारों तरफ से कवर कर देंगे, यानी कि पाइप को अच्छे तरीके से पैक कर देंगे, और ताकि इसमें मसाला इसलिए डाला जाता है ताकि पाइप अच्छे तरीके से जाम हो जाए और टूटे फूटे ना, ताकि ये बाहर का एरिया है, यहाँ पे गाड़ी वाड़ी भी खड़ी हो तो पाइप ना फूटे, इसीलिए इसमें रोड़ी का मसाला डाला जाता है। मसाला डाले और थोड़ा सा सीमेंट तेज करके डाले, पाइप हमेशा सेफ रहेगा। आप लोग देख रहे हैं वीडियो में कि मैं किस तरीके से पाइप को पैक कर रहा हूँ अच्छे तरीके से। और जहाँ पे भाई मतलब टंकी के लिए जहाँ खड्डा मारा होता है ना, जहाँ छेद किया होता है, उसको अच्छे तरीके से पैक करें, वरना भाई अगर अच्छे तरीके से पैक नहीं करेंगे ना तो इसमें से स्मेल आएगी, बहुत गंदी बदबू आएगी।
जैसा कि दोस्तों आप सब देख सकते हैं कि हम लोगों ने अच्छे तरीके से पाइप को पैक कर दिया चारों तरफ मसाला मार के। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो चैनल को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भाइयों मेरी वीडियो देखने के लिए।